सीएमओ ऑफिस में वंदना ने दिया प्रार्थना पत्र, न्याय दिलाने की मांग। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। लखीमपुर खीरी गोला कोतवाली के अंतर्गत मोहम्मदी बाईपास रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट नीलकंठ हॉस्पिटल का एक प्रार्थना पत्र सीएमओ ऑफिस लखीमपुर में दे करके न्याय दिलाने की मांग की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बिना रजिस्ट्रेशन और बिना डिग्री के डॉक्टर के नीलकंठ हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है, जिसको पूर्व में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नोटिस जारी की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसी को लेकर वंदना नीलकंठ हॉस्पिटल में कोतवाली गोला को सूचना दे करके धरना प्रदर्शन पर अपने बच्चों सहित बैठक की गई और उन्होंने बताया कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मेरा धरना प्रदर्शन नहीं खत्म होगा और अगर कोई बात होती है उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। सीएमओ के आदेश पर 3 तारीख को सीएससी प्रभारी नीलकंठ हॉस्पिटल को चीज कर दिया था। 11/10/2023 को नीलकंठ हॉस्पिटल खोल दिया गया। खोलने के बाद जब सीएससी प्रभारी गोला से वंदना ने बात की, अपने हॉस्पिटल तो सीज कर दिया गया तो फिर ये कैसे खुल गया? सीएससी प्रभारी ने बताया कि मुझे जानकारी नहीं मिली है, मैं अब दिखवा लेता हूँ। तुरंत सीएससी प्रभारी नीलकंठ हॉस्पिटल पहुँचते ही उसको दोबारा सीज करते हैं, जबकि सीएससी प्रभारी गोला को नीलकंठ हॉस्पिटल मालिक पर 420 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। अब आगे देखना यह है कि नीलकंठ हॉस्पिटल के मालिक पर क्या सीएससी प्रभारी कार्यवाही करते हैं। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते सर, वंदना बोल रहे हैं? हेलो, कौन वंदना? अरे सर, नीलकंठ हॉस्पिटल से नहीं सर, जो एक बार जी 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 ये सर कह रहे थे सर, ये सर खोलने की परमिशन आपने दी है क्या सर? नहीं सर, हॉस्पिटल तो खुला है सर। हम परमिशन जब तक हमने सीज कर रखा है हमने परमिशन कैसे दे तो सर हॉस्पिटल भी सर कैसे खुल गया सर? अब ऐसे हमसे ब्लेम मत लगाइए, आप बता रही हैं, मैं देखता हूँ कल। जी सर, ठीक है सर, हम वीडियो बना के भेज रहे हैं आपको। हाँ भेजिए। ठीक सर, भेज रहे हैं।